हेलो एवरीवन, मैं एसपी चौहान। आज आपका पहला ऑनलाइन क्लासेस मैं देने जा रहा हूं और इसमें आप देखिएगा किस प्रकार से ये आज कैलेंडर का जो है पहला दिन है, पहला स्टेप है, किस प्रकार से हम इसको हल करेंगे। आपके सामने ये कोड लिखे हुए हैं, ये सेंचुरी का कोड लिखा है और ये आपका वीकली है, सप्ताह का कोड है और इधर आपका ईयरली है, वर्ष का कोड दिया गया है। तो इन कोडों का कहां कहां पर यूज होगा, कैसे इसका प्रयोग होगा, आज हम आपको बताएंगे। इस पहली क्लास में पहला दिन है, इसी प्रकार से हम आपको डे टू डे देते रहेंगे, ठीक है। देखिएगा इधर ये आप जितने भी कोड लिखे हुए हैं इनका अध्ययन करना है। इनको पढ़ने के बाद में ये जो क्वेश्चंस दिए गए हैं इन क्वेश्चन को इसी सूत्र के ऊपर, इसी कोड के ऊपर हम लोग लगाएंगे, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ पर सेंचुरी कोड दिया गया है, ये 100 दिया गया है, 100 का कोड 4 होता है, 200 दिया गया है, 200 का कोड 2 दिया गया है, 300 है, 300 का 0 दिया गया है और यहाँ 0 लिखा है, 0 कोड कितना 6 दिया गया है। अभी ये 100, 200, 300 ये कहाँ से आए हैं, कैसे आए हैं, किस प्रकार से आए हैं, आपको हम आगे बताते रहेंगे। इधर आपका वीकली दिया गया है, ये सप्ताह के कोड दिए गए हैं, संडे से स्टार्ट होगा, संडे को 1 बताया गया है, ठीक ना। इसी प्रकार से आप इसको देख लीजिए कि किस प्रकार से इसमें कोड लिखे गए हैं। यहाँ पर ये आपके पूरे वर्ष के हैं, 12 माह जो होते हैं उसके कोड दिए गए हैं, जनवरी से दिसंबर तक दिए गए हैं। ऐसे जनवरी का साधारण वर्ष लिखा है तो ये कोड जितने भी हैं ये साधारण वर्ष के हैं। और इधर आपका लीप वर्ष दिया गया है, तो अगर कोई भी माह, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं आपका दिया गया है 1984 दिया गया है, तो ये लीप ईयर है, तो यहाँ फरवरी का कोड 4 ना हो करके 3 होगा, लीप ईयर में कोड जो है चेंज हो जाते हैं, ठीक है। तो आप देखिएगा कैसे इसका यूज है, कहाँ पर इसका यूज है। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं, यहाँ लिखा हुआ है 1 जनवरी 1942, 1 जनवरी 1942 यहाँ पर दिया गया है। इसको किस प्रकार से हल करेंगे, अब आप देखिएगा यहाँ पर जनवरी दिया गया है, 1 दिया गया है, तो यहाँ पर हम 1 लिख लेंगे। जनवरी का कोड क्या है, 1942 हम चेक करेंगे कि ये साधारण वर्ष है या लीप वर्ष है, ठीक है। तो आप देखेंगे 1942 कैसे चेक करेंगे, 42 को 4 से डिवाइड करेंगे, अगर डिवाइड हो जा रहा है तो लीप ईयर है और नहीं हो रहा है तो साधारण वर्ष है। तो 1942 कैसा है, 1942 दिया गया है ये आपका साधारण वर्ष है, ये 4 से डिवाइड नहीं होगा। ऐसी कंडीशन में जनवरी का कोड जो होगा वो 1 दिया जाएगा, ठीक ना। यहाँ पर हम 1 रखते हैं, प्लस का निशान लगाएंगे और 1 रखेंगे। 42 दिया गया है, 1942 दिया गया है, तो यहाँ प्लस लगा के मात्र लास्ट के 2 अंक हम यहाँ पर लिख लेंगे। समझ में आया नहीं आया, फिर से देख लीजिए। यहाँ पर दिया गया 1, तो 1 हमने लिख लिया, जनवरी का कोड 1 यहाँ क्यों लिखा, क्योंकि ये जो 42 है लास्ट के 2 अंक ये 4 से डिवाइड नहीं होंगे, इसीलिए यहाँ पर क्या है साधारण वर्ष है, इसलिए 1 कोड यहाँ पर रख दिया गया जनवरी का। अगर यहाँ पर 44 होता, अगर यहाँ पे 44 होता तो 4 से डिवाइड हो जाता, ऐसी कंडीशन में जनवरी का कोड कितना लिखते, 0 लिखते। आया समझ में, क्या लिखते, 0 लिखते। आप देखिए यहाँ पर 42 है इसलिए 42 लिख दिया। अब आप देखेंगे यहाँ पर प्लस का निशान लगाएंगे, समझ में आ रहा है। अब देखिए यहाँ पर जो 42 दिया गया, 42 इसको क्या करेंगे, 42 वर्षों में कितने लीप ईयर है, कितने लीप ईयर हैं, लीप ईयर किसे, 42 को 4 से डिवाइड करेंगे, 4 एकम 4 और 4 दम्मा 40, आपके कितने लीप ईयर आए, 10 लीप ईयर। इन 42 वर्षों में कितने लीप ईयर आए, 10 लीप ईयर आए, ठीक है। अब देखिए आप फिर यहां पर प्लस का निशान लगाएंगे, अब लास्ट में 42 तो निकल गया यहां पे लिख दिया, लेकिन बचा कितना, टोटल 1900 बचा भाई, 1942 टोटल था,
अगर 42 निकल गया तो टोटल कितना बचा, टोटल यहां पर 1900 बचा। अब 1900 को क्या करेंगे, यहां पर लास्ट स्टेप बचा है वो कौन सा है, वो ये वाला है, ये सेंचुरी कोड, ठीक ना। ये शताब्दी कोड कैसे निकाला जाएगा, आप देख रहे हैं 1942 था, 42 हमने यहां पर लिख दिया, बचा कितना 1900 बचा। अब 1900 को कोई भी शताब्दी वर्ष 400 से डिवाइड किया जाता है, किससे डिवाइड करेंगे, इसे 1900 बचा है 1900, तो 1900 को 400 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। अब देखिए 400 को डिवाइड करेंगे तो ऐसे भाग दे दीजिए, सरल रूप कर लीजिए, 1900 दिया गया है, इसको क्या करेंगे 400 से भाग कर देंगे, 4 बार जाएगा ना, 4 × 4=1600। अब देखिए यहां पर कितना बचा, यहां पर बचा शेष 300। ये जो शेष 300 बचा है, यही जो शेष 300 है उसका कोड लिखना है, कितना आया 0 आया, 0 आया। अब 0 क्या करेंगे हम यहां पर लिख देंगे, ठीक है, 0 हम यहां पर लिख दिए। अब देखिए इसको क्या कहे, टोटल को सप्ताह से भाग कर देंगे, टोटल क्या करेंगे सप्ताह से भाग कर देंगे। अब देखो ये आपका 7 × 42 पूरा कट गया, 7 × 7 कितना शेष बचा, 3 शेष बचा, यहां पर ये 3 ये और 1 ये और 1 ये, कितना हो गया 5, शेष कितना बचा 5। अब ये जो 5 बचा आपका यही आंसर हो गया। अब 5 अब देखेंगे 5 कोड किसका है, ये लिखा है, ठीक ना। तो आपका 5 कोड जो हो गया वो आपका बृहस्पतिवार हो गया, यानी थर्सडे, ठीक ना। यहां पर आंसर आपका क्या आया, आंसर आया बृहस्पतिवार, क्लियर। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए, दूसरा ठीक है, दूसरा देखिएगा, ये आपका दिया गया है 15 फरवरी 1984। अब देखो फरवरी आ गया ना, तो अब देखेंगे अगर फरवरी आया है तो जनवरी और फरवरी के कोड चेंज होते हैं जब लीप वर्ष कहीं पर मिल जाए। आप देख रहे हैं यहां पर 84 क्या है, लीप वर्ष है। अब यहां तो लिखेंगे 15 लिखेंगे, और 15 लिखने के बाद में क्या करेंगे, फरवरी दिया गया है, अब फरवरी का कोड 4 ना लिख करके कितना लिखेंगे, 4 ना लिख करके कितना लिखेंगे, 3 लिखेंगे। अब 3 लिखेंगे क्यों लिखेंगे, क्योंकि 84 लीप ईयर है, इसलिए फरवरी का कोड क्या है, चेंज हो गया, हम 4 ना लिख करके क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे। अब यहां पर प्लस का निशान लगाएंगे, 1984 दिया गया है, कितना दिया गया है 1984 दिया गया, समझ में आ रहा है 1984 दिया गया है। अब 1984 जो दिया गया है, लास्ट के 2 अंक यहां पर हम लिख लेते हैं, कितना 84 लिख लिया। अब 84 वर्षों में कितना, कितने लीप ईयर है, कितने लीप ईयर आए, 21 × 84, यानी कि 84 को जब हम क्या करेंगे, 84 को हम 4 से भाग करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 21 बार जाएगा, कितनी बार जाएगा, 21 बार जाएगा। तो 84 वर्षों में 21 लीप ईयर होते हैं। अब लास्ट स्टेप देख लीजिए, लास्ट स्टेप है 1984, तो 84 तो हमने लिख लिया, अब बचा कितना, खाली 1900 बचा, कितना बचा, सिर्फ और सिर्फ 1900 बचा, तो 1900 को हम यहां पर लिख लेंगे। तो ये शताब्दी वर्ष है, और शताब्दी वर्ष को हमेशा 400 से डिवाइड करते हैं, तो ये 4 बार जाएगा, 4 × 4=1600 हो गया, और 1600 जो हो गया, बचा शेष कितना 300। अब ये आप देख रहे हैं शेष जो ये 300 बचा है, इस 300 का कोड क्या है, ये शताब्दी कोड है। जो शेष 300 बचा है उसका कोड कितना है, 0, तो हम क्या करेंगे यहां पर 0 कर देंगे, समझ में आया। अब देखिए
यहां पर दिया गया। अब इसको टोटल सप्ताह से इसको भाग कर देंगे। अब देखो 21 तो कट जाएगा, सात्विक 21 कट गया। अब यहां पर दिया गया है 7 × 7 और 7 × 14 ये भी कट गया। अब इधर देखिए 7 × 14 एक शेष बचा, यहां पर कितना शेष बचा, एक शेष बचा और 3 ये बचा, ठीक ना, 3 ये बचा और 1 ये बचा, 3 × 1 = 4। कहने का मतलब 4 जो है शेष बचा। अब 4 शेष बचा तो आप देख रहे हैं यहां संडे मंडे ट्यूजडे वेडनेसडे, ये आपका आया आंसर। 4 किसका है, बुधवार का। तो आंसर आपका क्या होगा, आंसर जो होगा आपका बुधवार। तो 15 फरवरी 1984 को कौन सा दिन था, तो यहां पर बुधवार आंसर आएगा। यहां पर आंसर क्या आया था, यहां पर आंसर आया था बृहस्पतिवार आया। क्लियर, समझ में आ रहा है, अभी और देख लीजिए समझ में आ जाएगा, क्लियर हो जाएगा कि इन सभी का यूज कहां पर होता है। अब देखिए यहां पर दिया गया 10 मार्च 2010 दिया गया, ठीक है, 10 मार्च 2010 दिया गया है। अब देखिए 10 यहां पर दिया गया प्लस मार्च, अब मार्च का कोड आप यहां से देखेंगे, मार्च का कोड कितना दिया गया है, 4 दिया गया है। तो हम यहां पर क्या लिखेंगे, मार्च का कोड हम 4 लिखेंगे। उसके बाद फिर प्लस का निशान लगाएंगे, 2010 दिया गया, क्या 2010 स्लीप ईयर है या नहीं, जनवरी फरवरी होता तो हम यहाँ चेक करते कि लीप ईयर है या नहीं, यहाँ पर कोई मायने नहीं रखता, होगा तो भी ठीक, नहीं होगा तो भी ठीक, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 2010 दिया गया तो ये जो 10 है इसको हम यहाँ पर उतारेंगे, क्लियर। उसके बाद में अब यहाँ पर प्लस का निशान लगाया, अब इसमें देखेंगे 10 वर्षों में कितने लीप ईयर आएंगे, 2, क्योंकि 4 से जब भाग करेंगे 2 ही बार जाएगा, तो 10 वर्षों में कितने लीप ईयर आए, 2। उसके बाद में लास्ट में दिया गया है, लास्ट में प्लस, अब 2010 से ये 2010 दिया गया, 10 तो निकल आया, बचा कितना, बचा सिर्फ और सिर्फ 2000, कितना बचा, मात्र 2000 बचा। भाई 2000 से अगर 2010 से 10 निकल गया तो बचा कितना, खाली 2000 बचा। अब ये शताब्दी वर्ष जो लास्ट में आया इसको 400 से डिवाइड करेंगे और 400 से जब डिवाइड करेंगे तो पूरा कट जाएगा, शेष 0 बचेगा, शेष कितना बचा, 0 बचा। अब शेष जो 0 बचा उसका कोड कितना होता है, 6 होता है। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, यहां पर हम लिखेंगे 6 लिखेंगे, समझ में आ रही बात, इसको बहुत आहिस्ता समझिए। कोई भी सन हो, वो 1800 हो, 2200 हो, 50 हो, कुछ भी हो, इतनी अच्छी ट्रिक है कि आप इसके माध्यम से बड़ा सवाल कोई भी सन होगा आप दिन तुरंत बता दोगे, आधे शास्त्री आप हो गए, ठीक है ना। तो देखिए यहां थोड़ा समझ लीजिए, ये दिया गया है, अब टोटल कोड हो गया 10 लिख दिया, मार्च का कोड आपने देखा कि यहां मार्च लिखा है, मार्च का कोड कितना है, 4, हमने 4 लिख दिया, 2010 दिया गया है तो 10 यहां पे लिख दिया, और जब 10 निकल गया तो खाली 2000 बचा, और जो 2000 बचा तो उसका कोड कितना, 2400 डिवाइड किया तो आ गया शेष 0, और शेष 0 का कोड कितना होता है, 6, तो हमने वही 6 लिख दिया, ठीक है। अब इसको सप्ताह से भाग कर दूं, भाग कर लेंगे। अब यहां दिया गया है देखो 7 × 7 शेष बचा 3, कितना बचा, 3 बचा। उसके बाद में 4 × 3 = 7 कट गया, 4 × 3 = 7 कट गया। अब देखिए यहां पर 7 × 7 शेष कितना बचा, 3। अब देखो 6 × 2 = 8 एक शेष बचा। यहां आप देख रहे हैं कि यहां पर 3 है और यहां पर 1 है, यहां पर 3 दिया गया और यहां 1, तो 3 × 1 = 4 और 4 कोड किसका आ रहा है, 4 कोड बुधवार का आ रहा है, ठीक है। तो यहां पर आंसर क्या होगा आपका, बुधवार होगा, ठीक है।
अब ये देख लीजिए अगला क्वेश्चन, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा है तो दोबारा में फिर आ जाएगा, लेकिन हम ये चाहेंगे कि आप लोग समझ रहे हैं, ठीक है? तो देखिएगा, ये आपका दिया गया है 20 अप्रैल 2040 दिया गया है। आप देखिएगा 20 का हमने 20 लिख दिया, प्लस आप देख रहे हैं कि यहां पर अप्रैल दिया गया और अप्रैल का कोड कितना है? 0। यहां पर अप्रैल दिया गया और अप्रैल का कोड कितना दिया गया? 0 दिया गया है। तो ये अप्रैल प्लस लगा करके यहां अप्रैल का कोड क्या लिख दिया? 0 लिख दिया। उसके बाद में यहां पर प्लस लगाया, प्लस लगाने के बाद में यहां लिखा है 2040। तो हम क्या करेंगे, लास्ट के दो अंक ले लिए, 40 को हम यहां लिख दिए। अब देख रहे हैं 40 को हमने ले लिया, अब 40 वर्षों में कितने लीप ईयर हैं? तो लीप ईयर निकालने के लिए हम क्या करते हैं, 40 को 4 से भाग करते हैं। जब लीप ईयर निकालना हो तो 4 से भाग कर देते हैं, 4 × 40, ठीक है ना? तो अब यहां कितने लीप ईयर आए? 10 आए, देख रहे हैं। अब फिर प्लस का निशान, लास्ट स्टेप बचा है। लास्ट स्टेप में क्या करेंगे, यहां पर 2040 था, 40 यहां निकल गया, बचा कितना? 2000। अब देख लीजिए, अब 2000 जो बचा, तो 2000 आप देख रहे हैं 400 से पूर्ण रूप से कट जाएगा, और 400 से पूर्ण रूप से जो कट गया, शेष कुछ नहीं बचा, बचा कुछ? कुछ नहीं बचा। अब शेष जब कुछ नहीं बचा, 0 शेष बचा, तो 0 का कोड क्या होगा? 0 का कोड ऐसी स्थिति में 6 होता है। ये शताब्दी कोड है, तो 0 का कोड कितना होगा? 6 होगा। तो हम 6 क्या करेंगे, यहां पर रख देंगे, क्लियर? अब यहां पर क्या करेंगे, सप्ताह से दिन निकालने के लिए हमको सप्ताह से भाग करना होता है, और सप्ताह में कितने दिन होते हैं? 7। सप्ताह में 7 दिन होते हैं। अब देखिए यहां पर अगर 7 से भाग करेंगे तो यहां शेष कितना बचेगा? 6 बचेगा, दो बार जाएगा। यहां पर देखिएगा, यहां ये 10 दिया है, एक बार गया, तो यहां शेष कितना बचा? 3। 6 × 3 = 9, जब हम इसको काटेंगे तो यहां कितना बचेगा? 2 बचेगा। अब यहां पर देखिए, यहां पर काटने के लिए 7 × 5 = 35, इसमें शेष कितना बचेगा? 5 बचेगा, ठीक है ना? ये यहां पर शेष कितना बचा? 5 बचा, ठीक है ना? अब देखिए यहां पर 5 और 2 = 7 कट जाएगा, 5 और 2 = 7 क्या है? कट जाएगा, कट गया। इधर देखेंगे 6 ये बच रहा है, 6 बच रहा है, ये जो 6 बच रहा है यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। 6 कोड किसका है? शुक्रवार का है, फ्राइडे का है, किसका है? फ्राइडे का है। ये आपका शुक्रवार का कोड दिया गया 6, तो हम यहां पर क्या लिख देंगे, ये जो 6 बचा है, ये 6 बचा है, 6 का कोड क्या होता है? ये शुक्रवार का होता है, कोड किसका होता है? ये शुक्रवार का होता है, फ्राइडे का।